दोस्तों, कोरोना वायरस की अवेयरनेस सीरीज में ये मेरी 11वीं वीडियो है। अभी तक आप इसके भयावह रूप को समझ गए होंगे, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ये तो बस ट्रेलर था, मूवी तो बाकी है। ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डेली 3000 से ज्यादा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नए केस सामने आ रहे हैं और टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर करीब 35,000 हो गई है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एज ऑफ टुडे 8 फरवरी को 725 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चाइना के बाहर भी कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हांगकांग, थाईलैंड और फिलीपींस में एक एक व्यक्ति की मौत के बाद अमेरिका भी अछूता नहीं रह सका और एक इंसान के मरने की खबर आई है। वहीं 2400 लोग जो इस वायरस से पीड़ित थे उनको बचा लिया गया है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर ली वैंग लियांग की। 34 साल का वो डॉक्टर जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया था, आज उसी हॉस्पिटल में जिसमें वो काम करता था कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा चुका है। दिसंबर 2019 में एक पेशेंट का इलाज करते समय ली वैंग लियांग ने चाइना की पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप वी चैट के थ्रू बताया कि एक पेशेंट की सार जैसे वायरस से मौत हो गई है। जैसे ही ये खबर चाइना स्टेट पुलिस को पता लगी, ली को शाबाशी देने की बजाय समाज में अफवाह फैलाने के जुर्म में जेल में डाल दिया और वुहान शहर पहले की तरह नॉर्मल चलता रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सरकार के पैर तले जमीन तब खिसक गई जब 2 हफ्तों के भीतर ही हजारों लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और लोग मरने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आज ली जब इस दुनिया में नहीं रहा, लाखों चाइनीज लोग सोशल मीडिया पे ली को अपना हीरो बता रहे हैं और सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि टाइम पे ली की वार्निंग को सीरियसली लिया जाता तो कोरोना वायरस इतना नहीं फैल पाता। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के कहर के बाद चाइना में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी हो गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वुहान शहर के नागरिकों की, कि उनके लिए एक एक दिन कैद की तरह काटना इस फैले हुए कोरोना वायरस में कितना मुश्किल होता जा रहा है। लोग अपना जीवन इस टाइम होम अरेस्ट की तरह व्यतीत करने पे मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर के बाहर निकले तो कोरोना वायरस के वो शिकार हो सकते हैं। जहां डेली डेथ टोल राइज करता जा रहा है और सस्पेक्टेड केस इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि वुहान जैसी बड़ी सिटी में हॉस्पिटल्स तक की कमी हो गई है। आप अनुमान लगा लीजिए कि ये नंबर जो चाइनीज गवर्नमेंट पब्लिक कर रही है उतना है या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 11 मिलियन की आबादी वाला वुहान शहर, जिसकी पॉपुलेशन लंदन से भी ज़्यादा है, इस टाइम वहाँ की सड़कें बिल्कुल सुनसान है, मानो कर्फ्यू लगा हो। 10-लेन रोड्स, जिनका वर्ल्ड की बिजिएस्ट रोड्स में काउंट आता है, वो इस टाइम बिल्कुल खाली पड़ी हैं। सड़कों पे अगर हैं तो बस टैक्सीज, वो भी वही 6,000 टैक्सीज जो गवर्नमेंट ने डिप्लॉय की हैं लोगों के सिर्फ ज़रूरी यातायात के लिए। मैं आपको डराना नहीं चाहती, पर सिचुएशन इस टाइम कुछ ऐसी है कि अगर आप घर से अपनी गाड़ी में निकलते हैं और आपके पास कोई इमरजेंसी रीज़न नहीं है उस ट्रैवल का, तो आपको वहाँ की पुलिस फाइन लगा सकती है और यहाँ तक कि आपका लाइसेंस तक सस्पेंड कर सकती है। लोगों को उनके अपार्टमेंट्स और रूम तक लिमिटेड कर रखा है। और रही बात टैक्सीज में ट्रैवल करने की, लोगों में कोरोना वायरस को लेकर इतना डर है कि वो किसी अननोन के साथ ट्रैवल करने तक में घबरा रहे हैं। अब कर लेते हैं बात खाने पीने को लेकर। सिटी के सारे रेस्टोरेंट्स इस टाइम क्लोज्ड हैं, लोग पैक्ड फूड खा रहे हैं और उसके लिए लोग एक बार में ही 2 से 3 हफ्ते का राशन स्टॉक कर रहे हैं। शहर में इस टाइम इतनी मारामारी है कि लोग ग्रॉसरी स्टोर्स में सूट केसेस में सामान भर भर के ले जा रहे हैं। लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई है कि लोगों को पता नहीं कि नया स्टॉक कब आएगा मार्केट्स में और कोरोना वायरस से चाइना कब उभर पाएगा। प्रिकॉशंस मेजर्स में लोग मास्क के साथ ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मास्क की भी काफ़ी कमी वुहान सिटी फेस कर रही है, जिसकी वजह से मास्क की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और 4-4 गुना दामों पे मास्क को इस टाइम पे बेचा जा रहा है। पर गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे अनाउंस किया है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो बेचने वाले पे फाइन लग सकता है। खाने के साथ साथ डिसइंफेक्शन सॉल्यूशंस और हैंड सैनिटाइजर, जो लोगों को इस वक्त सेल्फ हाइजीन के लिए सख्त ज़रूरी हैं, वो सब भी आउट ऑफ स्टॉक है।
ऐसी सिचुएशन को हम खुद पे सोच कर देखें तो कह सकते हैं दैट मैनी पीपल इन चाइना मे बी फिजिकली ओके एंड सेफ बट मेंटली दे आर नॉट। इस कर्फ्यू जैसी सिचुएशन में सभी लोग काफ़ी डरे हुए हैं और सफोकेट हो रहे हैं। जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स या पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर बैरिगेड्स लगे हुए हैं, किसी को भी बिना टेम्परेचर चेक के एंटर नहीं करने दिया जा रहा। चाइना के लोगों के अंदर कोरोना वायरस को लेकर इतना खौफ है कि वो किसी भी एलियन चीज को छूने से भी डर रहे हैं, जैसे कि एलिवेटर का बटन तक वो कीज या फिर किसी और चीज से प्रेस करना प्रेफर करते हैं। सबसे दुख वाली बात ये है कि वुहान के लोग गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही कोरोना वायरस से रिलेटेड फिगर्स पर भी डाउट कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की फिगर्स अंडर रिपोर्टेड बताई जा रही हैं। जिन लोगों की जान कोरोना वायरस से जा रही है उनका डेथ रीजन उनकी किसी पहले की बीमारी जैसे कि हार्ट डिसऑर्डर या फिर डायबिटीज का बताया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बस चाइनीज गवर्नमेंट ही जानती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट प्लीज पूरा करवाओ। आई विल बी सो थैंकफुल टू यू। और कोरोना वायरस को लेकर भारत में जागरूकता की मुहिम में मेरे हिस्सेदार बनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव टॉपिक है तो अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी ऑब्सोलीट हो गई है या फिर पुरानी हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके अपडेट कर दें ताकि सभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यहाँ नीचे एक लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उसको आप दबाना बिल्कुल मत भूलें। और जब आप सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। Share this video if you care for human life.